जय माता दी। आज मैं यहाँ पे ना माता रानी का भोग बनाने के लिए आ गई हूँ, तो मैं भोग बना रही हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि आज नवमी है, नवमी की जोत देखेंगे नवमी की, तो मैं माता रानी की का भोग बना रही थी। पहले मैं यहाँ पे चने बनाने के लिए आ रही हूँ, तो चने छोप रही थी, तो मैं आपको सच कोई ऐसे भी मतलब शेयर नहीं कर रही, मैं भोग बना रही हूँ वही दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से मैं भोग बना रही हूँ माता रानी का मेरे, तो बस और आप कैसे मैं मिल बताती रहना मुझे, तो मैं यही काम कर। तो फिर मैं हल्दी डाल रही हूँ, चलो मैं हल्दी डाल रही हूँ, मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची भी थोड़ी सी है, इसमें और ले लूँ मेरी आती और धनिया डाल रही हूँ, बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, यही पड़ते हैं मसाले। और कुछ मसाले डालने चाहो तो आप डाल सकते हो, जैसे गर्म मसाला, चाट मसाला वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो। लेकिन माता रानी का भोग है तो मैं बिल्कुल सिंपल वाले ही बनाऊँगी, बस इसमें कुछ नहीं, नमक मिर्च हल्दी धनिया ये डालूँ, और नमक मेरा गिर चुका है यहाँ पे। यहाँ मैंने गैस चेंज कर दी, इस पर मैंने रख दिए कुक चने बनाने के लिए, और इधर रख दी मैंने खीर बनाने के लिए, तो खीर में मेरा दूध बॉयल हो चुका है, तो मैं इसमें चावल डाल दी दो के, और भिगो के मैंने इधर चावल रख रखे थे, वो चावल इसमें डाल दी, और यहाँ मैं बनाने आ गई हूँ हलवा। मैंने सूजी इसमें डाल दिया, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल, जितना मुझे घी चाहिएगा उतना मैंने इसमें घी डाल दिया, क्योंकि अभी न्यू पैक खोला था ना इसलिए ऐसा है, तो इसमें घी डाल दिया, और इसको मैं सूजी को सेक लूँगी। ये मैं सूजी को सेक रही हूँ, आप इन कढ़ाई को मत कहना, क्योंकि ये ना पुरानी कढ़ाइयाँ हैं, तो फिर थोड़ा सा अभी चेंज करने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं इनको चेंज नहीं कर रही, तो इसलिए कढ़ाई ये ऐसी ही हो रही है, क्योंकि ये साफ ज़्यादा होती नहीं है, जितनी भी पॉसिबल हो चुकी साफ को, तो मैंने उतनी ही करी है, क्या करूँ मैं, तो बर्तन जो है वो तो यूज़ तो करने ही पड़ेंगे ना। लो जी, मेरा भोग तैयार हो गया है माता रानी का, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ भोग लगाने के लिए, तो यह मेरा भोग तैयार हो चुका है, लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने अभी माता रानी का भोग लगाया है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, तो यहाँ पे मैंने भोग लगाया, क्योंकि कंजके तो घर पे नहीं बुलाई, मैं उनका प्रसाद घर पे ही भेज दूँगी, तो चलिए मैं प्रसाद भेजती हूँ फिर बात करती हूँ। तो बस अभी अभी मैंने भोग लगाया, आपको मैंने बताया अभी था है ना, तो अभी बस माता रानी का भोग लगाया, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही थी इसलिए शेयर नहीं कर पाई ना, तो अब मैं बस माता जो कंजके उनको घर पे तो नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि आपको पता है वैसे भी कोरोना काल चल ही रहा है ना, तो बस मैं उनका प्रसाद ना घर पे ही भेज दूंगी सबका, जो भी चार पाँच जितनी भी कन्याएं हैं हमारे यहाँ पे, मैं उनका प्रसाद घर पे ही भेज दूंगी उनको सबों का। तो बस मैंने आपको अभी दर्शन कराए थे, और देखो मेरी दुकान भी कैसे फैली हुई है, अगर देखें किस तरह से फैली हुई है, इसकी भी मुझे सफाई करनी है, तो बस सारे काम में ऐसे ही चल रहा है, तो
तो चलिए करते हैं, माता रानी मैं कन्याओं का भोग भेज देती हूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और आज मेरा बर्थडे भी है, आप लोग मुझे विश करना। मैं अब आपको या तो ये वीडियो कल जाएगी या मैं आज ही भेज दूंगी इसको, तो आप लोग मुझे विश करना। तो यहाँ मेरी मिस पूरी बन गई है, मैं ये इधर दिखा रही थी आप लोगों को, तो ये मेरी पूरी बन गया है, बन गई है। तो जो कन्याओं को ये भेजूंगी ना, वो बन गई है 2 प्लेटों में। ये देखिए 2 प्लेटों में पूरी बन गई है, मैं जो कन्याएं हैं उनके लिए भेजती हूँ। तो चलिए भेजती हूँ मैं उनको, है ना। जिस पे बुरी नजर है।